प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में सत सत नमन, भूरी भूरी आशीर्वाद, धन्यवाद गुरु जी। कहाँ हो, दिख नहीं रही भगवती, आप दिखी, बस अब ठीक है, अब हो गया, बोलो। ये भाई साहब खड़े थे, ये पूछना चाहते हैं, हमने अपने बड़ों से जैसे सुना है कि दीक्षा लेना पड़ती है तभी हमारे धर्म में कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो हमको मिलता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा मन तो जैसे मान लीजिए आपको गुरु मान रहा है, लेकिन हम आपसे दीक्षा लेने में असमर्थ हैं, तो क्या सच में ऐसा होता है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं बिना दीक्षा के हमको नहीं मिलता है? ये जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। दीक्षा का मतलब ये है कि गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त हो जाए, उस मंत्र पर हमारी निष्ठा। गुरु दीक्षा का मतलब है रजिस्ट्रेशन। और शास्त्र में एक जगह बहुत प्यारा श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ध्यान करना है तो गुरु की मूर्ति का करो, पूजा करनी है तो गुरु की पादुका या उनके बताए हुए पद चिन्हों पर उनकी पूजा करो, और अगर मंत्र जप करना है और गुरु नहीं मिल रहे, दीक्षा नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे हुए गुरु के वाक्य को ही गुरु मंत्र मान लो तो उसमें भी ईश्वर के लिए आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। एकलव्य को कहाँ से दीक्षा मिली? आप माइक लीजिए, आपने पढ़ा क्या एकलव्य को दीक्षा मिली? पर पारंगत तो हुआ जी। अच्छा, अब दूसरा पढ़िएगा, दूसरा मैं रविदास जी को, पर कृपा तो हुई। ऐसे अनेक संत हैं जिनको दीक्षा नहीं मिली लेकिन कृपा हुई है इस पूरी पर पृथ्वी में, और ऐसे वर्तमान में भी ऐसे लाखों भक्त हैं जिन्होंने हनुमान जी को शाश्वत गुरु मान रखा है। धन्यवाद गुरु जी, हम आपको अपने मन से गुरु मानते हैं। बालाजी को मानो, हम तो पगला है।